हुजूर अलैहि सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी कभी खाने में ऐब नहीं निकाला। कोई खाना पसंद आ गया तो खा लिया, नहीं पसंद आया तो छोड़ दिया। ये नमक कम है, ये मिर्ची कम है, ऐसा नहीं। लोग शादियों में 10-10 डिशें हड़प करके आते हैं, ऊपर से जो वो बोतल भी पी लेते हैं ठंडे की, और डकार लेकर के फिर कहते हैं कि मिर्चियां तो कम रही ना, हैं दलिया घोटी नहीं रही ना। ये सब चीज, ये कौम का हाल है, हैं? अरे उसके दिल से पूछ जिसने खाने का इंतजाम किया था, हैं? आदमी महीनों महीनों मेहनत करता है, औरतें हफ्तों चावल चुनती है शादियों के वलीमों के, और तुम दो जुमले कहकर दिल तोड़ आते हो। नहीं, अरे नमक मिर्ची क्या चीज है। बल्कि एक बात आपको कहूं, लोग मुझे कभी कभी दीवाना ना समझे, मैं ये सोच, मेरे एक दोस्त ने कह दिया कि तू कभी कभी बड़ी दीवानगी की बात कर जा। एक बात कहूं, बोलूं बात, अगर इश्क के रसूल हो जाए ना, और जबान और दिल इश्क के रंग में रंग जाए, तो आप कड़वी भी खाएं तो भी आपको टेस्टी लगे। क्योंकि टेस्ट किस में है? आम के अंदर टेस्ट है कि जबान में टेस्ट है? बोले खाएं? हाँ, गौर करना कभी, मुझे एक बहुत बड़े सूफी ने बताया, आम में टेस्ट है, लज्जत आम में कि जबान में? अगर जबान में टेस्ट है, लज्जत है अगर जबान में, तो फिर जाम खाने पर आम की लज्जत क्यों नहीं आती, जब टेस्ट जबान में ही है तो? बात समझ ले, नहीं समझे? शहतूत खाने पर आम की लज्जत क्यों नहीं आती, अगर जबान में टेस्ट है तो? तो बता चला, और अगर आम में टेस्ट है तो उंगली डालने पर लज्जत क्यों नहीं आती? बात समझे नहीं समझे, है ना कोई बात? हाँ, इसको कहते हैं दीवानों की बात। तब किस में लज्जत है, आम में कि जबान में? तो अब आपको पता चला, ना आम में है ना जबान में है, यार की मर्जी में लज्जत। किसमें लज्जत है? वरना टाइफाइड वाला शायद खाता है तो भी कड़वा लगता है। बोलो, शायद कड़वा है? नहीं, क्यों कड़वा लग रहा है? दूध पी रहा है तो कड़वा है, क्यों कड़वा लग रहा है? बात यार की मर्जी की है, तो यार को राजी कर लो। मैं ऐसे बुजुर्गों को भी तारीख में जानता हूं, बताए, चलो बोल ही दूं, बताऊं। एक शख्स है, जवान है, मदीने मुनव्वरा के सफर में जा रहा है, एक वली की मुलाकात होती है। अरे ए जवान, तेरे साथ कोई नहीं? उस जवान ने कहा, अल्लाह मेरे साथ है। कहां जा रहा है? अल्लाह के लिए हज को जा रहा। अच्छा, सवारी नहीं है? का तकवा मेरी सवारी है, तोशा परहेजगारी मेरा तोशा है, खाता क्या है? खाएगा जो मैं खाता हूं। हाँ, मिट्टी उठाई, कटोरे में पानी डाला, मिट्टी कटोरे में डाली, घोल दिया, ले पी ले। अब जवान का चेहरा इतना खूबसूरत था कि उन्होंने गटागट पी लिया। कहते, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो मिट्टी उन्होंने कटोरे में डाल के घुल दी, इससे शानदार सत्तू मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं चखा। मिट्टी में सत्तू का मजा आया कैसे? मिट्टी में सत्तू का मजा आया कैसे? फिर क्या कहा? मैंने देखा कि वो जवान मेरी नजरों से गायब हो गया। फिर मैंने देखा कि वो हतीम में नमाज पढ़ रहा था, और लोग उसके इर्द गिर्द अदब से खड़े थे। मैंने पूछा, कौन है? कहा, ये इमाम मोहम्मद बाकिर का शहजादा, जिसे दुनिया जाफर सादिक कहती। आप क्या समझते, हम लोग बहुत पीछे हैं, दुनिया में डूबे दुनिया के कुत्ते बन चुके हैं। हमें दीन की लज्जत क्या पता, यार की मोहब्बत की लज्जत क्या पता? हम तो दुनिया के झगड़े में, गीबत में, चुगली में, गाने में, बाजे में, हराम कामों में। अरे निकलो, यार की तरफ आओ, जिधर ठोकर लगा दोगे लज्जतों की बहारें आ जाएगी।